झांसी में स्वतंत्रता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती वर्ष में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा चलाए जा रहे समूचे प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान के प्रथम दिवस के क्रम में ब्लॉक बवीना न्याय पंचायत घिसौली प्रभारी गिरिजा शंकर राय, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में महेश कुशवाहा, सचिव प्रकाश चंद्र जैन, बवीना नगर अध्यक्ष महताब सिंह यादव, रवि जैन, अवनीत गुप्ता द्वारा बवीना ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ कांग्रेसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर संवाद कर कांग्रेसी नीतियां अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। जय भारत महासंपर्क अभियान दूसरे दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई, जिसके मुख्य अतिथि गिरिजा शंकर राय पौत्र स्वतंत्रता सेनानी बार रहे एवं तेज सिंह जुदेव पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबीना अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। माला और बजी का अरे नहीं आपको अरे नहीं 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 अरे ये दाम अच्छा नहीं है आपको। फोटो भी लेते हैं ना, जैसे फोटो लेगा चलो ले। जिंदाबाद 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 कनक पांडे जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल प्रियंका जिंदाबाद 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 कनक पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद नेपोटिंग कोमा। आप लोग कैसा विधायक चाहते हैं और किसका टिकट चाहते हैं? हम तो गांव का दद्दा का टिकट चाहते हैं, नाम लेके चाहते हैं, अच्छा विधायक चाहते हैं जो गांव के अपने नाम पर अच्छा अपना मतलब बनाने का बात करते हैं, सब लोग वो अच्छा आदमी कांग्रेस पार्टी नेता बारे मान्य किसी गांव की गाँव ने अच्छा जिसने कांग्रेस पार्टी का मतलब दिया है और कई बार टिकट के लिए दावेदारी की है लेकिन फिर के नेताओं द्वारा टिकट नहीं दिया गया और जो बबीना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के बड़ी जीवित है वो जिसके दाऊद साहब को तो मैं पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि इस बार दाऊद को टिकट दें और एक कांग्रेस का बेहतर विधायक अपने बबीना विधानसभा। अगर दाऊद साहब विधायक बनते हैं तो कितना विकास होगा और कहाँ तक विकास जाएगा? दाऊद साहब ने अपना पूरा जीवन विकास में निकाल दिया, विधायक नहीं रहे तब भी करते रहे, जनता से जुड़े रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, काफ़ी विकासी काम किए, जिला पंचायत सदस्य रहे, काफ़ी विकासी काम किए और आज आज कोई भी पद पर नहीं है तब भी जनता के लिए रात दिन अर्पण रहते हैं सेवा में। मैं दाऊ आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसके बारे में आप कुछ दो शब्द कहें और बताएं कि कांग्रेस पार्टी में कैसे जागरूकता लानी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ये जब से देश आज़ाद हुआ है उससे 100 सालों पहले तब से कांग्रेस ने उन्हें त्याग बलिदान दिए हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सभी लोगों के योगदान से ये पार्टी बनी है और सभी लोगों की बलिदानी हुई है। इसमें जो है मरने वालों ने ये नहीं पूछा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम मुसलमान मर रहे कि हिंदू मर रहे कि हरजन मर रहा है कि सिख मर रहा है, पंजाबी कौन मर गया है, सब लोगों ने देश को आज़ाद करना मदद की है। अब हर आदमी का कर्तव्य है कि इन उठाईगिरों को हटाने के लिए सबको एकजुट होना है। कांग्रेस जब एकजुट हो जाएगी तो कांग्रेस का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता है और न टिकेगा। लोग बाग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जितने काम किए हैं ये बीजेपी वालों से पूछा जाए तुमने क्या किया, उन्हीं के कामों के ऊपर जो है फीता काटा है, उन्हीं के किए हुए कामों का उद्घाटन किया है, उसी में आपने जो है सिलेंसर कर दिया है। कांग्रेस ने जितने विकास के कार्य किए थे गरीबों के लिए, हरजनों के लिए, खासकर किसानों के लिए,
किसानों की जितनी मदद कांग्रेस ने की है उतना न कोई कर सकता है न करेगा। तो मेरा तो सब लोगों से यही अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल करके कांग्रेस का झंडा थामें और कांग्रेस। मैडम प्रियंका गांधी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमारे मीडिया हमारे चैनल के थ्रू आप थोड़ा सा दो संदेश कहें। मैडम जी से हम तो यही निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले आकर के मुख्यमंत्री की दावेदारी करें तभी इस प्रदेश का और देश का भला होगा। क्योंकि यहाँ जो अराजक तत्व इतने बढ़ गए हैं तो उनके सामने टिकने में लोगों की दहशत ज़्यादा हो रही है। अगर प्रियंका जी उत्तर प्रदेश संभाल लेती हैं तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, करीब 4-5 करोड़ की जनसंख्या बहुत होती है जो है कई प्रदेशों के हिलाने के बराबर है। अगर प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश संभाल लिया तो समझ लो आधा इंडिया संभल जाएगा। इससे लगे हुए जितने मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, जो बगल के प्रांत है उन पर बहुत असर पड़ेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जयशंकर राय जी मैं ये आपसे कहना चाहता था आप कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना चाहते हैं, किस तरह से कांग्रेस में एकजुटता लाना चाहते हैं आप विस्तार से बताएं। देखिए हमारा देश स्वतंत्र ताकि बेड़ियों में जकड़ा रहा, जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के एकजुट होने से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। इस चीज़ को मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आज हम लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं। हमारी देश की केंद्र की और राज्य की मौजूदा सरकार जिसने हम लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया है, आने वाले समय में हम आर्थिक गुलाम हो जाएंगे। इसकी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, जैसे हमारे पूर्व गुलाम प्रमुख वर्ते सिंह जुदेव जी ने बताया हमें कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जितने भी हम लोग घटक दल हैं देश के सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों को ये केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकार की जो मानसिक गुलामी का जो आलम चल रहा है इससे हम लोग निजात पा सकेंगे। और हमें निश्चित तौर से एकजुट होना ही चाहिए, जिसके लिए हम अभी हम लोगों का कांग्रेस के सुप्रीम राहुल जी प्रियंका दीदी ने हम लोगों को मैसेज दिया है कि गांव-गांव में जाके गरीब किसान मजदूर युवा बेरोजगार सबसे संवाद करके उनकी समस्याओं को सुने, जिसके क्रम में हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आज समापन दिवस में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे कांग्रेस से और जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे मुखातिब हुए और उनसे रूबरू होने के बाद उनकी समस्याओं को सुनकर अपनी उनकी समस्याओं को जिलाधिकारी प्रशासन के कमिश्नर और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को बताकर उनकी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करेंगे। ये कांग्रेस की अपनी सोच है। हमारी राजन जी आप बबीना विधानसभा से किसका टिकट चाहते हैं, कौन प्रत्याशी अच्छा है ये आप विस्तार से बताएं, क्योंकि बबीना का विकास ही जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं 200 पे कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, जितनी उम्र मैंने जब से होश संभाला है तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी दाऊ के तीसिंग जूदेव के दाऊ की घिसोली पर आई हैं, दो बार आई हैं। आपका जो झरर 1972 में उन्होंने एक झरर का उद्घाटन किया, इसके बाद में DHL का उद्घाटन किया, इसके बाद में क्या है साथ में दाऊ के घिसोली निवास पर आई हुई हैं, क्या नाम है। इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपना क्षेत्र है बाहर के लोगों को टिकट दिया जाए, कोई भी पार्टी हो, क्या यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? बबीना क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं है कि बबीना की जनसंख्या का कम है क्या? लेकिन टिकट है जो बाहरी लोगों को दिया जाता है, किसी भी पार्टी को देख के चलो आप पुराना आंकड़ा उठा के देखो तो ऐसा क्यों? मैं हमारा ख्यालात और जनता का ख्यालात यही है कि हमारे क्या बाहर के विधायक क्या काम नहीं कराते हैं? नहीं, कभी नहीं आते, जीतने के बाद में जनता को भूल जाते, जनता केवल वोट देती है, इसके बाद में भूल जाते, जनता से मिलना जुलना रहते नहीं है, ना कोई विकास की ओर ध्यान रखता है। हमारा अगर जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने बबीना में कितना विकास कराया है? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। क्यों? वो तो कहते हैं नहरों के जाल हमने बिछाए हैं। कांग्रेस का वो मंच एक होता है, नेता अलग अलग होते हैं। प्रदीप जैन जी आपके केंद्रीय मंत्री जो आए हैं वो रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। झांसी उनकी देन है, झांसी सीपरी पुल की वो बताते हैं कि हमने शिलान्यास किया है, हमने बनाया है। बिल्कुल झूठ है, मंत्री जी की देन है, प्रदीप जी की।
आप कर रही है अपने पूरे गांव में भुखमरी मची हुई है, कुएं में पानी नहीं है, सूखा पड़ रही है, उनकी प्रदीप जैन की बदौलत है नहर जो निकल रही है। आप कैसा विधायक चाहते हैं? हम तो विधायक तो वो चाहते हैं जो जनता के साथ रहे, विकास की ओर ध्यान रहे, जनता का मतलब भला करे। वो हम तेज सिंह श्री तेज सिंह जी देव को अपना है जो ये सोचते हैं कि टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए।